जनसुराज पदयात्रा के दौरान मोतिहारी पूर्वी चंपारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप गांव वासियों की समस्या अलग अलग है तो एक दूसरे को देखकर वोट क्यों करते हैं, आप अपनी वोट की कीमत क्यों नहीं समझते। आपको मैं दूसरे नेता की तरह मछली खिलाने नहीं आया, बल्कि मछली कैसे पकड़ी जाती है वो सिखाने आया हूँ। मैं 100 दिनों से पैदल चल रहा हूँ और लोगों को हाथ जोड़कर समझा रहा हूँ कि गांधी जी, बाबा साहब, आप जनता को अधिकार दिए हैं वोट करने की। वोट उनको दीजिए जो आपको और आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप 500 रुपए के कारण आपके 1.5 लाख का इंदिरा आवास आपको सही समय में नहीं मिला। अगर अगली बार कोई नेता आपको वोट के लिए पैसा दे तो उसे रख लीजिए, लेकिन जब वोट देने जाइए तो अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दे कर आइए। हम मीठा बात बोले नहीं आए ले जा नेताजी आवता तो बढ़िया बढ़िया रुआ के बोलता जे नेता आई वे कहते हम आई न तो तारा के सड़क बनवा दे, हम आई तो तारा के रोजगार दे दे, और वोट ले लेला सब कर बद गई तो हम रुआ के मछली खियावे ना की आई मछली मारे सिखावे आई बानी। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिए हैं, जिसका आप बटन दबाते हैं वही ना राजा बनता है। आदमी कहता है भैया हम गरीब आदमी हम का करो, वोट जब तक आप नहीं दबाते हैं तब तक कोई राजा बन सकेला भैया, कोई बन ही बोली तो जैया वोटवा दबाओ तनी वो दिन रहुआ राजा बानी, तो वो दिन रहुआ भिखार बन के दे देता 500 रुपया में वोट, तो रुआ 500 रुपया में वोट दे देनी तो 1.5 लाख इंदिरा आवास गोइल हवा खाए गोइल ना भाई। जे 500 रुपया दे लस वो गेहूं बेच के नहीं खाना ले आई रावरे पैसा लूट ले बा, 1.5 लाख इंदिरा आवास चल गई तो ये बतावे आई बानी कि अगला हाली कोई पैसा दे तो पैसा ले ली, पैसा ले के रख ली, लेकिन वोट गलत मत दीजिए, वोट गलत दीजिए पैसा बार रख ले उनका पता चली कि कहाँ केकरा के वोट देनी रुआ, पैसा देता तो ले ली रावले लूट ले बा पहले ले ली उनका पैसा ओकरा बाद जाके वोट दी अपना लइकन खाती, वोट दीजिए अपने सामान को वापस लाने के लिए, वोट दीजिए अपना घर बनाने के लिए तब न सुधरी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।